लगता है कि आपको परमानेंटली घर भेजना पड़ेगा। नहीं प्रभु, इतने विपद मुझ पे मत कीजिए। अच्छा, आज मरते लोग से क्या संवाद आया और कौन कौन आया है? प्रभु आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी बुलाता हूँ। ये कौन है मरते लोग से? आओ एक एक करके आना, ज्यादा गड़बड़ी मत करना। आओ लाइन करके आओ, एक एक करके आओ। प्रभु ये जो नारी देख रहे हैं ना, ये मरते लोग से बहुत ज्यादा मिलावट करता था और कुछ बच्चों का तबियत भी खराब हो गया इसकी वजह से। आप बोलिए इसके साथ क्या किया जाए। चित्रगुप्त, आपको क्या लगता है इसको क्या दंड देना सही होगा? प्रभु मुझे स्वर्ग में भेज दीजिए, यहाँ मेरा क्या काम? चित्रगुप्त, इसका इतना दुस्साहस, इसको हाथी के नीचे कुचलवा दीजिए। यमगण इसको ले जाओ, हाथी के नीचे कुचला दो। दूसरा कौन है? अरे तू क्यों छुप रहा है पापी? सामने आ, ए सामने आ। प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चित्रगुप्त इसका क्या गलती? प्रभु ये मरते वक्त पे साइबर क्राइम कर रहा था। साइबर क्राइम, ये क्या होता है? ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। प्रभु बताने से अच्छा है कि आप खुद ही देख लीजिए, आपको भी थोड़ा जानकारी मिल जाएगा। एक दिन की बात है, कृषक खाना खा रहा था और उसकी पत्नी रसोई घर में कुछ काम कर रही। अरे कहाँ गए तुम? और कुछ खाने के लिए है या फिर इतना ही खा के चला जाओ? अरे इतना भी क्या कर रही है? घर के सारे काम मुझे भी करने पड़ते हैं और आपके ताने भी सुनने पड़ते हैं। ठीक है लीजिए खा लीजिए। तुम जब मुझे खाना देते हो मुझे भी 10 बातें सुनना पड़ता है। उसी समय उसकी बच्ची आके बोलने लगी। पापा पापा, टीचर जी ने बोले हैं स्कूल से लेकर आना वरना मत आना। ठीक है बेटी, मैं आज ही जमा कर दूंगा, तुम स्कूल चले जाओ। नहीं पापा, जब तक आप स्कूल का फीस नहीं जमा करेंगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और ठीक उसी समय उसके फोन में एक मैसेज आया। देखो देखो, लगता है कि कालिया योजना का पैसा आ गया। चल बेटी, आज तेरे स्कूल में पूरे साल का फीस भर दूंगा। और उसी समय कृषक का फोन बजता है। हेलो, क्या मैं भोलाराम जी से बात कर रहा हूँ? हाँ मैं भोलाराम बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका एक लॉटरी लगा है। क्या लॉटरी है? क्या आपका खुद का जमीन है? हाँ मेरा खुद का जमीन है। अरे वाह, आपका एक जमीन है तो आपकी जमीन में एक एयरटेल टावर लगेगा। इससे मेरा क्या फायदा? आपका फायदा ही फायदा है, आपको महीने के 30,000 रुपए मिलेंगे और आपको फैमिली में किसी एक को नौकरी भी मिलेगा। क्या आप ये करना चाहेंगे? अगर इतना फायदा है तो कौन नहीं करना चाहेगा। ठीक है तो आपके फोन से 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन ये मैं क्यों करूँ? ये पैसे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। ठीक है मैं कर देता हूँ। कृषक ने 1,000 ट्रांसफर कर दिए और उसके बाद उसको यह मैसेज आया कि उसके बैंक अकाउंट से पूरे 10,000 रुपए गायब हो गए और वो बहुत टेंशन में आ गया। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं लूट गया और बर्बाद भी हो गया। इसका तो काम हो गया, अब किसी और को जाल में फंसाना पड़ेगा। देखते हैं अगला शिकार कौन है। एक टीनेज लड़की अपनी पढ़ाई के वक्त अपनी पिक खींच के इंस्टा पे अपलोड करती है और उसी समय एक हैकर ने उसकी आईडी हैक करके उसे कॉल किया। हेलो, तुम काव्या बोल रही हो? हाँ मैं काव्या बोल रही हूँ, आप कौन? तुम इंस्टा पे अच्छे अच्छे पिक्स अपलोड करते हो, मैं कुछ पिक्स भेजता हूँ उसको देखो। हैकर ने भेजे हुए पिक्स देखकर लड़की के होश उड़ गए। हे प्रभु, तुम्हें ये पिक्स कहाँ से मिला? उसकी चिंता तुम मत करो, ये चिंता करो कि अगर ये पिक सोशल मीडिया में भेज दूँ तो तुम्हारा क्या होगा। नहीं नहीं, ये पिक तुम अपलोड मत करो। लेकिन उसमें मेरा क्या फायदा? उसके बदले में आपको क्या चाहिए? तुम सिर्फ मुझे 10,000 रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो।
अगर मैं ये दे दूँ तो आप मेरी पिक अपलोड नहीं करोगे ना? हाँ, ये मैं डिलीट कर दूंगा, पर आप पहले पैसे तो भेजो। लड़की ने पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसके दो दिन बाद उसी ब्लैकमेलर का उसे फिर से कॉल आया। हेलो काव्या जी, कैसे हो आप? आप मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? फोन करने का मन हुआ तो फोन कर लिया, और मुझे और पैसे चाहिए। आपने तो बोला कि मैं अगर पैसा भेज दूंगी तो आप तो फोटो डिलीट कर देंगे, फिर यह पैसा किस बात का? काव्या जी, आप अभी तक समझ नहीं पाए? जल्दी से आप मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दीजिए, वरना आप तो समझदार हैं। नहीं, मैं और पैसे नहीं दे सकती। तो फिर ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ। हैकर ने फोन काटने के बाद उसका सारा फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। उसी समय फोटोज अपलोड होने के बाद उसके मोबाइल पे यह नोटिफिकेशन आता है कि उसके सारे फोटोज किसी ने अपलोड कर दिए हैं। यह सब देखकर उसका सिर चकरा उठा और वो टेंशन में आ गई। टेंशन में आने के बाद उसके दिमाग में बहुत असर पड़ा और वो एक कमरे में जाके सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली। उसको सुसाइड करते देख उसके घर वालों ने उसे रोक लिया। ये तो बहुत बड़ा पापी है चित्रगुप्त, इसको क्या दंड दिया जाए? प्रभु, इसको जितना भी दंड देंगे उतना कम है। आप ही बताइए प्रभु, इसको क्या दंड देना सही होगा? चित्रगुप्त, इसको उबलते हुए तेल में उसको छोड़ दीजिए और हाथी के द्वारा उसको कुचल दीजिए, तब जाके उसकी अकल ठिकाने में आएगा। ये तो होना ही था, जैसी करनी वैसी भरनी। ये नाटक के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर आप इस चक्कर में कभी पड़ जाते हैं तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपको साइबर क्राइम वाले वेबसाइट में जाके यानी www.cybercrime.gov.in में अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है। धन्यवाद। Please everyone, please we stand up at the place and would request for Gautare Telejama sir ko please watch over us along with our DV public school principal sir your madam your children with our honorable Karibi Srimathi Mancho Gossi of my honorable Karibi please and we have the coordinator Bhai Ka Bhai Jordan Kali bahut badhiya act ए सुंदर आग की मैंने आपण मैंने देखिले प्राक्टिकाल जाणिले साइबर क्राइम केमती करा जाउछि ताकु आपण मैंने हैकर सहित केमती पढ़ी जाउछति एथरो निवृत्त होतु आपण मैंने समस्ते एटा बढ़िया मेसेज समाज को दिया जाइछि आपण मैंने सचेतन होतु समस्ते और सुरक्षा भी रहतु। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर गोटे अनन्य प्रयास मानते एत दिन धरी कार्यक्रम चलानी से कस्ट्यूम एमतीका चिंतन एत सुंदर गोटे स्टोरी कहीं भी आज पर्यटन करना अक्टोबर 2 पर्यटन चाहिए डीएवी पब्लिक स्कूल यूनिक थिंकिंग एंड टू द एंटायर टीम मेंबर्स टू एंटायर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड प्रिंसिपल सर एवरीबॉडी फॉर ऑल चाहिए गोटे जोरदार ताली आप समस्त इट्स ए मेसेज टू आवर सोसाइटी टू आवर सोशल जो मैंने अच्छा मीडिया एक्टिव अच्छा से प्लीज ध्यान दिं थैंक यू सो मच टू ऑल द आर्टिस्ट ऑल्सो एंड स्पेशली चित्रगुप्त भी जोरदार ताली हो चित्रगुप्त में निश्चय जो रेकर्ड हो बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया मुझे चाहिए आम फोटोग्राफर्स मैं अनुरोध करी आम फोटोग्राफर्स मानक अनुरोध करी प्लीज फोटोग्राफर्स मानक अनुरोध करी पेमेंट नहीं चाहिए आज कल जोरदार ताली हो चित्रगुप्त एंड तक आम जी यमराज सारे सहित आम जोरदार ताली बजेगा थैंक यू सो मच रही जाओ बर्गर का कौशन थैंक यू सो मच एंटायर टीम थैंक यू सो मच डीएवी पब्लिक स्कूल एंड आग कहना जो आम तरफ आपण मैं किसी भूल भट रही था सर प्लीज क्षमा करेंगे इट्स इट्स नॉट आवर फॉल्ट इट्स द टाइम फॉल्ट।